नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना में ग्रुप सी सिविलियन की डायरेक्ट भर्ती की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं इसमें पोस्टों के बारे में डिटेल है और साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये वैकेंसी किस किस जगह पर हैं। तो इसमें से कानपुर, इलाहाबाद और चंडीगढ़, इस तरीके से बहुत सारी जगह बताई गई हैं। आपके लिए जो भी सूटेबल हो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी कम है मगर फिर भी जानकारी होनी चाहिए ताकि आपके पास ये मौका ना रह जाए कि भाई ये मुझे जानकारी मिल ही नहीं पाई और मैं इसलिए फॉर्म ही नहीं भर पाया। तो दोस्तों, इसमें जो ज़्यादातर ट्रेड वाले भी हैं जैसे कि कुक वगैरह की है, मगर कुछ वैकेंसी ऐसी भी हैं जिसमें 10+2 टाइपिंग और ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो ऐसी भर्तियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि स्टोर सुपरिटेंडेंट की है, LDC की भर्ती है और MTS की भी भर्ती है दोस्तों इसके अंदर। इसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें मल्टीपल पदों के लिए वैकेंसी है और हिंदी टाइपिस्ट की भी भर्ती है। तो आप देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है। 18 से लेकर 25 साल तक तो इसके अंदर एज मांगी गई है दोस्तों। यदि आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल और दिव्यांग भाइयों को 10 साल, ठीक है। अगर हम सुपरिटेंडेंट की बात करें तो दोस्तों ये लेवल 4 की नौकरी है। लेवल 4 का मतलब ये 2400 ग्रेड पे की है और इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, सिंपल ग्रेजुएशन। LDC की अगर हम बात करें तो ये 1900 ग्रेड पे है, इसमें 10+2 होना चाहिए और टाइपिंग जो है या तो आपकी इंग्लिश में 35 की स्पीड हो या फिर हिंदी में आपकी 30 की स्पीड हो, ठीक है। स्टोर कीपर की अगर हम बात करें इसमें 10+2 मांगा गया है सिर्फ, इसमें टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। मगर हम अगर कुक की बात करें तो यहाँ पर इसमें सर्टिफिकेट होता है कैटरिंग का, वो होना चाहिए। पेंटर के लिए भी जो ITI का जो ट्रेड होता है वो होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं, बाकी फिटर मैकेनिक जिन्होंने ITI वगैरह किया होगा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। MTS की बात करें तो जिनके पास सिर्फ 10th की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैस स्टाफ के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर मोड ऑफ सेलेक्शन के बारे में बता रखा है दोस्तों, इसका पेपर कैसे होगा और साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या होगा। अगर हम LDC की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ये जो है इसके टॉपिक बताए गए हैं। लास्ट डेट जो है वो 30 दिन है जब ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। तो ये एक भर्ती है, अगर आप में से कोई अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों, किसी भी प्रकार की करियर गाइडेंस के लिए आप मुझसे सीधे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तरीका बताया गया है। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।